हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वेक्टर का। एक्सरसाइज नंबर है 5.2। आज की ये वीडियो में स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 12 सारे एग्जांपल्स कवर करेंगे। इसके जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन नंबर 6, ये ऑलरेडी हमने दूसरे वीडियो में कवर किया हुआ है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का जो क्वेश्चन है, आज के जो वीडियोज के क्वेश्चन है, उसको स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 6 नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ आप पहले उसे कर लीजिए, और साथ में ही एक्सरसाइज 5.1 का भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में किया हुआ, आप उससे कर लेंगे तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नंबर 7 टू 12 स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स ये वीडियो में जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं पर हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर सारे एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स सेक्शन फार्मूला है, यहाँ पर ऑलरेडी हमने सेक्शन फार्मूला डिस्कस किया स्टूडेंट्स। यहाँ पर इंटरनल डिवीजन के लिए हमारा क्या फार्मूला है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या है हमारा, और एक्सटर्नल डिवीजन रहेगा तो हमें क्या फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन देखे थे क्वेश्चन 1, 2, 6 वहाँ पर हमने डिस्कस किया हुआ है, तो यहाँ पर प्लीज़ अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको देख लीजिए ज़रूर, वहाँ पे बहुत हेल्प मिलेगी। यहाँ पर मैंने जस्ट आपको फॉर्मूला लिख के दे दिया हुआ ताकि आप यहाँ पर उसे लिख ले। ठीक है, और इसके बाद देखिए यहाँ पर सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ और सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन, ये दो नए फार्मूलेज है, ये भी हमें यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हमारे पास सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल बोला हुआ है, इसका मतलब हमारे पास कोई ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी, जी हमारा सेंट्रॉइड है। ठीक है, तो हमें सेंट्रॉइड पता है क्या होता है, दिस इज जी, ये हमें सेंट्रॉइड दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी सेंट्रॉइड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स, ए बी सी इज अ वर्टाइसिस ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, उसका हम पोजिशन वैक्टर फाइंड आउट करेंगे और उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे किसके लिए स्टूडेंट्स, और सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए। ओके, अभी इसके बाद देखिए सेंट्रॉइड ऑफ अ टेट्राहेड्रन, टेट्राहेड्रन देखिए स्टूडेंट्स ये सॉलिड डायग्राम होता है, इसका मतलब क्या है, चार जो इसके साइड्स है वो ट्राइंगल होता है और एक साइड उसका कोन के शेप में होता है, मतलब देखिए इसमें इसके चार वर्टाइसिस होते हैं, ये एक प्लेन में आएगा, फिर ये एक प्लेन में आता है, और ये एक प्लेन में आता है, और ये फ्रंट प्लेन में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी सी डी इसके वर्टाइसेस है। ठीक है स्टूडेंट्स, ए बी सी डी हमारे क्या है, ये हमारे वर्टाइसेस ऑफ टेट्राहेड्रन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन सब का पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करेंगे, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, हमें जी जी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ अ टेट्राहेड्रन। ठीक है, तो ये हमें वेक्टर पोजीशन वेक्टर डी मतलब सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, और ये सारे फॉर्मूला आपको लिखना है, ये दो हमारे लिए नए फॉर्मूलेज हैं आज के जो क्वेश्चन है उसमें हमें यूज़ करना है, साथ में ये अभी मिड पॉइंट फार्मूला भी हमें बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, ये इंटरनल डिवीजन सेक्शन फार्मूला है, ये भी हमारा सेक्शन फार्मूला एक्सटर्नल डिवीजन के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के ये क्वेश्चन के लिए ये फार्मूला मिड पॉइंट फार्मूला, साथ में ये सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल और सेंट्रॉइड ऑफ अ टेट्राहेड्रन हमें यूज़ करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो डायरेक्टली मैं एक एग्जांपल स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ एंड ओनली इफ इट्स डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, हमें क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है वो पैरेललोग्राम है इफ एंड ओनली इफ द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, उसके जो डायगोनल है वो बाइसेक्ट करे ईच अदर, तो वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम होगा, हमें वो प्रूफ करना है। या देखिए स्टूडेंट, जब आपको ध्यान रखना, जब ये कंडीशन आता है इफ़ एंड ओनली इफ, तो आप यहाँ पे दोनों कंडीशन के हेल्प से प्रूफ कर सकते हो, या आप इसे डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर को गिवन कंडीशन ले सकते हो और उसे पैरेललोग्राम प्रूफ कर सकते हो, या फिर पैरेललोग्राम दिया हुआ है हम डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं ये प्रूफ कर सकते हैं, दोनों कंडीशन को हम प्रूफ कर सकते हैं, वाइस वर्सा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हमें क्या हम क्या करते हैं, हम ये डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर ये हम गिवन कंडीशन कंसिडर करते हैं और उसे प्रूफ करते हैं कि हमारा पैरेललोग्राम होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए देखिए पहले हम डायग्राम के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं हमें करना क्या है और हमें गिवन क्या है। ठीक है, तो ये हमारा कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसे हमने नाम दे दिया हुआ है ए बी सी डी, ए बी सी डी, उसके जो डायगोनल है ये गिवन कंडीशन हम कंसिडर कर रहे हैं वो बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर। ठीक है, बाइसेक्ट कर रहा है वो पॉइंट ई हमने नाम दे दिया। ठीक है, अभी देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमने कंसिडर करते हैं ये जो डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर ये हमारा गिवन कंडीशन है, तो ये जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेललोग्राम होगा, वो प्रूफ करना है। ठीक है, तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब होगा,
जब उसके अपोजिट साइड्स आर इक्वल और पैरेलल होंगे, ठीक है, उसका कोई एक साइड जैसे ए बी इज इक्वल टू बी डी है और ए डी पैरेलल टू डी सी है, अगर आपने ये प्रूफ कर दिया ए बी इज इक्वल टू डी सी है एंड ए बी पैरेलल टू डी सी है, अगर आपने ये दोनों कंडीशन प्रूफ कर दिया तो हम बोलेंगे कि ये हमारा गिवन जो पैरेलोग्राम है वो, सॉरी, जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो पैरेलोग्राम होगा। तो हमें ये दोनों कंडीशन प्रूफ करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमें गिवन कंडीशन क्या है, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। जब डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होता है इसका मतलब ये हमारा मिड पॉइंट है, किसका, ए सी और बी डी का, ठीक है। तो हमारे पास गिवन कंडीशन है कि बी ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी, उसके हेल्प से हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो अभी देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर लेट कंसिडर करते हैं हम वैक्टर के हेल्प, वैक्टर के वैक्टर मेथड से इसे सॉल्व करने जा रहे हैं, इसका मतलब हमें पोजिशन वैक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर लेट हम कंसिडर करते हैं पोजिशन वैक्टर ए बी सी डी एंड ई, बी पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट ए बी सी डी एंड ई रेस्पेक्टिवली। ओके स्टूडेंट्स, और हमें गिवन कंडीशन क्या दिया हुआ है, जो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, डायगोनल ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, पॉइंट एट पॉइंट ई, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, जो पॉइंट ई है हमारा मिड पॉइंट है, किसका, ए सी और बी डी का। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर पॉइंट ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी, ठीक है। तो यहाँ पर बाय हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। तो जब ई ए सी को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी मिड पॉइंट फार्मूला देखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास पोजिशन वेक्टर ए है, पोजिशन वेक्टर सी है, उसका मिड पॉइंट ई है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस सी डिवाइड बाय टू, ठीक है। यहाँ पे बाय मिड पॉइंट फार्मूला व्हेन ई डिवाइड ए सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पोजिशन वेक्टर ई इज इक्वल टू व्हाट, पोजिशन वेक्टर ए प्लस सी डिवाइड बाय टू बाय मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। और जब बी डी को डिवाइड करेगा ई, ठीक है, तो हमारा एंड पोजिशन वेक्टर ई इज इक्वल टू व्हाट, बी प्लस डी बाय टू, इसे हमने इक्वेशन नंबर सेकेंड दे दिया, ठीक है। अभी देखिए अब जब ये दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करोगे तो दोनों में ई का वैल्यू इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, क्या दिस इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी बाय टू इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस डी बाय टू। अभी नॉर्मल कैलकुलेशन है, देखिए यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर वो कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, ए सी ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी। ओके स्टूडेंट, तो अभी हमें क्या प्रूफ करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए बी पैरेलल टू डी सी प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल कब होगा, जब वेक्टर में इनका डायरेक्शन सेम होगा, अगर इसका डायरेक्शन ए सी है तो इसका डायरेक्शन डी सी होना चाहिए, ओके, और इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा तो ये ए बी इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा। तो हमें मैग्नीट्यूड सेम दिखाना है और डायरेक्शन सेम दिखाना है, ओके। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, इसे अरेंज करते हैं, ए और बी को साथ मिलाते हैं और डी और सी को साथ मिलाते हैं, ओके। तो यहाँ पर देखिए ए का टर्म यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, डी का टर्म यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, ऐसे शिफ्ट करना है जिससे हमें डायरेक्शन सेम मिलना चाहिए, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम इसे क्या लिख सकते हैं, सी माइनस डी इज इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है। अभी देखिए स्टूडेंट्स इसे हम वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो पोजिशन वेक्टर बी माइनस पोजिशन वेक्टर ए, इसका मतलब क्या होता है, वेक्टर ए बी होता है, और पोजिशन वेक्टर सी माइनस पोजिशन वेक्टर डी, इसका मतलब क्या होता है, वेक्टर डी सी होता है, ठीक है। अभी यहाँ पे इनका जो डायरेक्शन है वो सेम हो गया, ओके। तो यहाँ पे डी टू सी ए टू बी, इनका डायरेक्शन सेम है और
इनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है, दिस इज इक्वल टू दिस। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा और इनका डायरेक्शन सेम है इसलिए ए बी पैरेलल टू डी सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू डी सी एंड ए बी पैरेलल टू डी सी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, ये हमने प्रूफ किया कि ए बी और डी सी का मैग्नीट्यूड सेम है और इनका जो डायरेक्शन है वो भी सेम है। ठीक है, डायरेक्शन सेम है इसलिए ए बी पैरेलल टू डी सी हो जाएगा और मैग्नीट्यूड सेम है इसलिए ए बी इज इक्वल टू डी सी हो जाएगा, दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये दोनों कंडीशन हमने प्रूफ कर दिया। आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो व्हेन डायरेक्शन इज सेम गिवन ए बी पैरेलल टू डी सी हो जाएगा, और जब मैग्नीट्यूड सेम होगा तो ए बी इज इक्वल्स टू डी सी होगा। ठीक है, मतलब जब दोनों का वैल्यू सेम है तो वो दोनों इक्वल होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली रीजन देंगे, देयरफॉर द गिवन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमें दोनों कंडीशन प्रूफ करना था, वो हमने प्रूफ कर दिया। वो कैसे प्रूफ हुआ प्लीज़ केयरफुली देखिए, मैंने यहाँ पर बताया हुआ है व्हेन डायरेक्शन इज सेम, तो उसका मतलब दोनों पैरेलल टू ईच अदर है, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है इसका मतलब दोनों इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ए बी इज इक्वल टू डी सी दिखा दिया और ए बी पैरेलल टू डी सी दिखा दिया, मतलब जो हमारा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम है। ओके स्टूडेंट, तो ये हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है। प्रूव दैट द मीडियन ऑफ ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रेपेजियम एंड इट्स लेंथ इज हाफ ऑफ द सम ऑफ अ पैरेलल साइड। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। अगर आपको यहाँ पर हमें कुछ ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी की हेल्प लेनी है, ठीक है, तो मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और क्वेश्चन में हमें क्या करना है वो भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो पहले यहाँ पर हम एक डायग्राम की हेल्प लेते हैं और आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एनी क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम होता क्या स्टूडेंट्स, ए बी सी डी इज एनी क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, लेकिन टू साइड्स आर पैरेलल होते हैं और टू साइड्स आर नॉन पैरेलल होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट जो साइड्स होते, एक साइड उसमें से पैरेलल टू ईच अदर होता है और एक साइड नॉन पैरेलल होते, वो पैरेलल नहीं होते हैं ईच अदर, इसे हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमें करना क्या है इसमें, प्रूव दैट द मीडियन ऑफ अ ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड्स। अभी मीडियन क्या होता है वो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी जो नॉन पैरेलल साइड है, यहाँ पे ए डी और बी सी हमारा नॉन पैरेलल साइड है, ए बी और डी सी हमारा पैरेलल साइड है। ठीक है, तो जो नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं उसका जो मिड पॉइंट होता है, सपोज ये ई है, ये एफ है, ये ई है और ये एफ है, मिड पॉइंट ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो उसे हमें क्या मिल जाएगा, ई एफ मिल जाएगा, उसे हमें क्या मिल जाएगा, ई एफ मिल जाएगा होता है। ये जो ई एफ है इसे हम मीडियन ऑफ अ ट्रेपेजियम बोलते हैं। ठीक है, जो नॉन पैरेलल साइड्स के जो मिड पॉइंट्स है उसे, जो हमारा लाइन बनता है उसे हम मीडियन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ऑफ अ ट्रेपेजियम। अभी यहाँ पर हमें प्रूफ क्या करना है वो देख लीजिए। यहाँ पे उन्होंने क्या बोला हुआ है, द प्रूफ दैट द मीडियन ऑफ अ ट्रेपेजियम इज पैरेलल टू द पैरेलल साइड। अभी दो पैरेलल साइड क्या है, ए बी पैरेलल टू डी सी है। ठीक है, और तो हमें प्रूफ करना है कि जो ई एफ है वो भी पैरेलल होगा डी सी एंड ई ए बी के। तो प्रूफ क्या करना है हमें, ई एफ इज पैरेलल टू ए बी एंड डी सी, एक ये कंडीशन प्रूफ करना है। एंड इट्स लेंथ इज हाफ द सम ऑफ पैरेलल साइड, और उसका जो लेंथ है ई और एफ का जो लेंथ है, मतलब ई एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ सम ऑफ ए बी एंड डी सी, इट्स लेंथ इज हाफ ऑफ द सम ऑफ पैरेलल साइड। ये पैरेलल साइड है उसका जो सम होगा
उसका हाफ करेंगे उसका वैल्यू इज इक्वल्स टू होगा ई एफ के, ठीक है। तो ये कंडीशन दोनों कंडीशन हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो जो अभी हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स, प्लीज़ अगर आपने उसे केयरफुली नहीं सुना है तो फिर से स्टार्टिंग से क्वेश्चन को सुनिएगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हम जो गिवन अभी जो हमने डिस्कस किया उसे हम लिखते हैं, ठीक है। और पहले देखिए ए बी एंड डी सी पैरेलल साइड है और ये हमारा ई एफ हमारा मीडियन ऑफ अ ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो अभी इसको हमें वेक्टर के हेल्प से सॉल्व करना है। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, पहले ए बी सी डी और ई एफ को हम पोजिशन वैक्टर में लिख लेते हैं, ठीक है। लेट ए बी सी डी ई एफ बी द पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट ए बी सी डी ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अभी देखिए ये हमने पोजिशन वेक्टर लिख लिया हर एक पॉइंट्स का। अभी ये हमारा ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम है, इसका मतलब क्या है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ओके। सिंस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज ट्रेपेजियम, देयरफोर देखिए टू साइड्स आप पैरेलल होते हैं, टू साइड्स नॉन पैरेलल होते हैं, ठीक है। देयरफोर हम कंसीडर करते हैं लेट ए बी और डी सी हमारा पैरेलल साइड है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड ए डी एंड बी 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 सी नॉन पैरेलल साइड एंड ए डी एंड बी सी आर नॉन पैरेलल साइड, ठीक है। अभी क्या और देखिए ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड एफ इज मिड पॉइंट ऑफ पी सी एंड ए ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड ई एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ठीक है। तो ये जो गिवन कंडीशन था जो हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमें ये दोनों कंडीशन प्रूव करना है, दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो अभी पहले हम क्या करते हैं, अभी देखिए यहाँ पर जो गिवन कंडीशन है उसकी हेल्प लेंगे। अभी हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ए डी का मिड पॉइंट ई है और बी सी का मिड पॉइंट एफ है, तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट फार्मूला हेल्प लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी, देयरफोर बाय मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, तो हम वेक्टर अभी मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे, तो पोजिशन वेक्टर ई इज इक्वल्स टू ए प्लस डी बाई टू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पोजिशन वेक्टर ई इज इक्वल्स टू वॉट, वेक्टर ई प्लस डी बाई टू हो जाएगा, इसे हमने इक्वेशन नंबर वन दे दिया, ठीक है। और एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो यहाँ पर हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे, तो हमें पोजिशन वेक्टर ऑफ एफ क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, बी सी बी प्लस सी डिवाइड बाई टू, ठीक है। इसे हमने इक्वेशन नंबर टू दे दिया, ओके स्टूडेंट्स। अभी देखिए स्टूडेंट्स अभी हम क्या करते हैं, नाउ वेक्टर ई एफ, वेक्टर ई एफ, वेक्टर ई एफ क्या होगा स्टूडेंट्स, पोजिशन वेक्टर ऑफ एफ माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ ई होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हमने ई वेक्टर पोजिशन वेक्टर ई और पोजिशन वेक्टर एफ जो फाइंड आउट किया है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, b प्लस सी बाई टू माइनस ए प्लस डी बाई टू, ओके। यहाँ पर वन बाई टू यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम वन एंड टू, ठीक है। तो अभी देखिए वन बाई टू अगर हमने कॉमन लिया तो हमें क्या मिल जाएगा, b प्लस सी माइनस ए प्लस डी, ठीक है। अभी यहाँ पर माइनस का साइन है, इसका मतलब देखिए स्टूडेंट जब ब्रैकेट ओपन होगा तो यहाँ पर इनके साइन जो है वो चेंज हो जाएंगे, तो इसे हम वन बाई टू बी प्लस सी
माइनस ए माइनस डी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी से हम अरेंज करते हैं, ऐसे अरेंज करते करेंगे, देखिए ए को बी के साथ जाएंगे और डी को सी के साथ लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अरेंज किया बी माइनस ए प्लस सी माइनस डी, सिर्फ हमने अरेंज किया स्टूडेंट्स, ठीक है। इसको हम ए को बी के साथ लेके गया और सी को डी के साथ लेके गया, मीनिंग इक्वेशन का चेंज नहीं हुआ है। अभी यहाँ पर देखेंगे आप पोजिशन वेक्टर बी माइनस पोजिशन वेक्टर ए, इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं, इसे पोजिशन वेक्टर ए बी लिख सकते हैं, और पोजिशन वेक्टर डी माइनस सी माइनस पोजिशन वेक्टर डी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर डी सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हमारा फर्स्ट जो कंडीशन था वो हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। ये हमें फर्स्ट कंडीशन प्रूफ करने के लिए दिया था कि व्हाट ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्लस डी सी, तो यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्लस डी सी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं देयरफॉर ई एफ वेक्टर ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्लस डी सी, हमने प्रूफ कर दिया, राइट, फर्स्ट केस। अभी हमें सेकेंड केस क्या प्रूफ करना है, या फिर आप इसे लिख सकते हो वेक्टर ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी प्लस डी सी, ओके। अभी हम क्या करेंगे, सेकेंड कंडीशन प्रूफ करना है, हमें सेकेंड कंडीशन में क्या प्रूफ करना है, पैरेलल है, ई एफ है पैरेलल साइड के पैरेलल है, ई एफ इज पैरेलल टू द दिस ए बी एंड डी सी। तो यहाँ पर हम क्या क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी। नाउ हमने स्टार्टिंग में कंसीडर किया था कि ए बी इज पैरेलल टू व्हाट, डी सी है। अभी दो वेक्टर पैरेलल टू ईच अदर होते हैं, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, वेक्टर ए बी इज पैरेलल टू डी सी, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, टू इसके दे हैविंग स्केलर मल्टीपल मल्टीप्लीकेशन टू ईच अदर, मतलब इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए बी इज इक्वल्स टू के इंटू डी सी, ठीक है। ये के इज एनी कॉन्स्टेंट टर्म, ठीक है, यहाँ पर के इज स्केलर लिख सकते हो, के इज एनी कॉन्स्टेंट नंबर है स्टूडेंट्स। तो ये प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में देखा हुआ है, वेन टू वैक्टर्स आर पैरल, इट मीन्स दे हैविंग स्केलर मल्टीप्लीकेशन रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेक्टर ए बी इज इक्वल्स टू स्केलर मल्टीपल ऑफ डी सी, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी इसे हम इक्वेशन नंबर 1, 2 ऑलरेडी यूज़ कर लिया, हम इसे इक्वेशन 3 दे देते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, ए बी का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 2 देते हैं, यहाँ पर लिखिए सेम है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, ए बी का वैल्यू यहाँ पर हम पुट करते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में हमने इक्वेशन में ए बी का वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ई एफ इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ के डी वेक्टर डी सॉरी के डी सी प्लस डी सी, ठीक है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमने डी सी को कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, हमें क्या मिल जाएगा, के प्लस वन वेक्टर डी सी, राइट। तो अभी देखिए ई एफ और डी सी में क्या रिलेशन है, ये जो पूरा टर्म है ये कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है, ये मतलब क्या हमारा स्केलर टर्म है। जब अभी हमने देखा व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, इट मींस दे हैविंग स्केलर रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ई एफ और डी सी में स्केलर रिलेशन है, ये पूरा कॉन्स्टेंट टर्म है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं सिंस 1/2 के इंटू वन इज स्केलर, देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल टू डी सी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ देखिए ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ओके, और यहाँ पर हमने प्रूफ किया कि ई एफ इज पैरेलल टू डी सी, इट मीन्स देयरफॉर वी कैन से ई एफ इज पैरेलल टू ए बी एंड पैरेलल टू डी सी, ठीक है सुन। तो ये हमारा सेकेंड कंडीशन प्रूफ करना था, तो हमें दोनों ही कंडीशन हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ्ड, यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस प्रूफ्ड व्हाट वी प्रूफ्ड, ई एफ इज पैरेलल टू ए बी
पैरेलल टू डीसी, और सेकंड कंडीशन क्या था, ईएफ इज हाफ ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये दोनों कंडीशन हमने प्रूफ कर दिए, ये हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ, इफ टू ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर ए एंड बी एंड द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल जी इज गिवन, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टाइसेस सी क्या होगा, हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमें देखिए स्टूडेंट्स ए बी सी डी दिया हुआ है, ए बी सी तीन वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल दिया हुआ है, हमें सेंट्रॉइड भी दिया हुआ है जी इज इक्वल्स टू दिस, तो हमारा लेकिन उसमें देखिए यहाँ पे वर्टाइसेस ए दिया हुआ, बी दिया हुआ, सी हमें नहीं दिया हुआ, हमें सेंट्रॉइड ऑफ अ जी जी ट्रायंगल दिया हुआ है, तो अभी सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल यूज़ करेंगे, सपोज ए बी सी तीन वर्टाइसेस है, जी हमारा सेंट्रॉइड है, तो हमारा सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, ए वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई थ्री, ये हमारा सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला है। ठीक है, तो देखिए उसे हम पहले कैसे लिखेंगे, जो हमारा गिवन कंडीशन है पहले वो हम लिख लेते हैं, और यहाँ पर पहले पोजिशन वेक्टर लिख लेते हैं, लेट ए बी सी एंड जी बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बी सी एंड जी रेस्पेक्टिवली। ओके स्टूडेंट्स, अभी जो गिवन कंडीशन है क्या दिया हमें, पॉइंट ए पॉइंट बी और पॉइंट जी हमें दिया हुआ है, तो उसका पोजिशन वेक्टर क्या हो जाएगा, नाउ पॉइंट ए इज गिवन, ए इज इक्वल्स टू व्हाट, 3 1 4, देयरफॉर इसका पोजिशन वेक्टर ए क्या हो जाएगा, 3i प्लस 1j प्लस 4k। ओके, पॉइंट बी हमें दिया हुआ है, बी इज व्हाट, -4 5 -3, देयरफॉर पोजिशन वेक्टर बी क्या हो जाएगा हमारा, -4i प्लस 5j माइनस 3k। ओके, एंड सी हमें नहीं दिया हुआ, जी दिया हुआ है, जी पॉइंट जी, पॉइंट जी इज इक्वल्स टू व्हाट, -1 2 1 दिया हुआ है, देयरफॉर हमारा पोजिशन वेक्टर जी क्या हो जाएगा, -i प्लस 2j प्लस 1k, राइट। तो अभी देखिए बाय विद द हेल्प ऑफ अ सेंट्रॉइड फॉर्मूला, बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, बाय सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल का फॉर्मूला यूज करेंगे, पोजिशन वेक्टर जी इज इक्वल्स टू व्हाट, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3, ये 3 इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3g मिल जाएगा इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो अभी देखिए हमें सारे जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके, और फिर हमें देखिए पोजिशन वेक्टर ऑफ अ सी चाहिए, तो हम ए और बी को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, देयरफॉर हमारा देखिए पोजिशन वेक्टर ऑफ अ सी क्या हो जाएगा, 3g माइनस ए माइनस बी। ठीक है, अभी सारे पोजिशन वैल्यू पोजिशन वेक्टर के वैल्यूज हमें पता है, यहाँ पर पुट कर देते हैं, देयरफॉर देखिए 3 × g, जी क्या है, -i प्लस 2j प्लस के, माइनस ए इज क्या, 3i j प्लस 4k, और बी क्या है हमारा, -4i प्लस 5j माइनस 3k। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी नॉर्मली इसे कैलकुलेशन करना है, प्लस माइनस जो भी करना है, और हमें सी मिल जाएगा, तो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, -3i प्लस 6j प्लस 3k। ओके, माइनस यहाँ पे माइनस का साइन है ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, और ये यहाँ पर भी सेम, ये प्लस 4i हो जाएगा, -5j हो जाएगा, और ये प्लस 3k हो जाएगा। अभी देखिए i के टर्म को i के साथ जो भी प्लस माइनस है वो करेंगे, -3 -3 -6 प्लस 4, तो ये -2 हो जाएगा, -2i 6j -1 5 -5 0j हो जाएगा, फिर के देखिए 3 प्लस
थ्री सिक्स माइनस फोर ये प्लस टू के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें पोजिशन वेक्टर ऑफ अ सी के क्या मिल गया स्टूडेंट्स, माइनस टू आई प्लस जीरो के प्लस सॉरी जीरो जे प्लस टू के। तो यहाँ पर हमारा जो पॉइंट है वर्टाइसिस मिल जाएगा स्टूडेंट्स, वर्टेक्स सी मिल जाएगा, देयरफॉर पॉइंट सी हमें क्या मिल जाएगा माइनस टू जीरो एंड टू। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, देयरफॉर वर्टेक्स थर्ड वर्टेक्स सी इज इक्वल्स टू दिस। ओके स्टूडेंट, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टेन देखिए स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ, ट्रायंगल इन अ ट्रायंगल ओ ए बी ई इज अ मीट पॉइंट ऑफ ओ बी एंड ई इज द पॉइंट ऑन ए बी सच दैट ए डी रेस टू डी बी इज इक्वल टू टू रेस टू वन। ठीक है, इफ ओ डी एंड ए इंटरसेक्ट एट पी देन डिटरमाइन द रेशियो ओ पी रेस टू पी डी यूजिंग वेक्टर मेथड। ठीक है, तो पहले जो गिवन कंडीशन है स्टूडेंट्स से हम ट्रायंगल की हेल्प से उसके डायग्राम की हेल्प से हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फिर सॉल्व करते हैं उसे। हमें क्या दिया हुआ है, ट्रायंगल दिया हुआ है ओ ए बी, ई इज मिड पॉइंट ओ बी, ओ बी का मिड पॉइंट है ई। ठीक है, और जो ये इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और डी इज ऑन पॉइंट ए बी, डी कहीं पर है पॉइंट लाइन ए बी पर। ठीक है, यहाँ पर कहीं पे भी हो सकता है डी इन अ रेशियो टू रेस टू वन। ठीक है, तो यहाँ पर हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे मिड पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इफ़ ओ डी एंड ए डी इंटरसेक्ट, ओ डी यहाँ पर हमने ओ डी बना दिया और ए ई बना दिया, वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट पी, ये हमारा पॉइंट पी हो गया। ठीक है, देन डिटरमाइन द रेशियो, हमें ओ पी दिस रेस टू दिस, मतलब ये जो पॉइंट पी है वो कौन से रेशियो में इसे डिवाइड करता है, ये डायग्राम थोड़ा प्लीज़ अच्छे से बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा ये गिवन कंडीशन है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। तो प्लीज़ सबसे पहले हमें वेक्टर की हेल्प से सॉल्व करना है, तो इसका पोजिशन वेक्टर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लेट ओ ए बी डी ई एंड पी बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट ओ ए बी डी ई एंड पी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और देखिए स्टूडेंट्स क्या गिवन कंडीशन है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ओ बी, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ओ बी। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो ई है वो मिड पॉइंट है ऑफ ओ बी का, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, मिड बाय मिड पॉइंट फार्मूला, बाय मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, तो हमारा जो ई है पोजिशन वेक्टर ई, देखिए क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वेक्टर पोजिशन वेक्टर बी ओ प्लस बी बाय टू, ये हमें कैसे मिल गया, मिड पॉइंट फार्मूले, यहाँ पे हमें गिवन कंडीशन है ई इज मिड पॉइंट ऑफ ओ बी। ठीक है, सेकेंड अभी देखिए डी इज अ पॉइंट ऑन ए बी, तो ये जो डी है पॉइंट है वो सेगमेंट ए बी पर कहीं पर, इन अ रेशियो जो डिवाइड करता है डी ए बी को डिवाइड कर रहा है टू रेस टू वन। तो यहाँ पर हम यहाँ पर सेगमेंट सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये हमारे पास रेशियो दिया हुआ एन रेस टू एम रेस टू एन। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं डी इज पॉइंट ऑन ए बी विच डिवाइड ए बी इन टू रेस टू वन। ठीक है, ये डी है लाइन ए बी पर कहीं पर है और वो टू रेस टू वन में उसे डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर हम सेक्शन फार्मूला यूज कर लेंगे, बाय सेक्शन फार्मूला
ठीक है, तो वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, सेक्शन फार्मूला। तो यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, पोजिशन वेक्टर डी इज इक्वल्स टू बी इंटू टू प्लस ए इंटू वन, मतलब ये एम है ये एन है, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, टू इंटू बी प्लस ए इंटू वन, ए इंटू वन बाय टू प्लस वन। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमारा सेक्शन फार्मूला क्या होता है इंटरनल डिवीजन का, वेक्टर आर इज इक्वल्स टू एम ए सॉरी एम बी प्लस एन ए बाय एम प्लस एन, ठीक है। तो यहाँ पे एम हमारा टू है, एन हमारा वन है, बी इज दिस, ए इज दिस, तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस डिवाइड बाय एम प्लस एन, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, इसे लिख दे गए है पोजिशन वेक्टर डी इज इक्वल्स टू टू बी प्लस वेक्टर ए बाय थ्री, ये हमने इक्वेशन नंबर टू दे दिया, राइट। नेक्स्ट अभी हमें क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, इफ ओ डी एंड ए इंटरसेक्ट एट पी, ओके, डिटरमाइन द रेशियो ओ पी एंड ओ डी फाइंड आउट करना है। अभी देखिए स्टूडेंट्स केयरफुली देखिए, अभी जो पी है ठीक है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है ऑफ ओ डी का और ए ई का, इसका मतलब पी जो पॉइंट है वो ए ई को डिवाइड कर रहा है। अभी देखिए यहाँ पर इसका जो डिवीजन रेशियो हमें पता नहीं है, तो हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं एन रेस टू वन में डिवाइड कर रहा है, और ओ पी है हमारा एम रेस टू वन में कंसिडर कर रहा है। जब भी हमें देखिए स्टूडेंट्स, ऑलरेडी हमने इसका जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे एक्सरसाइज नंबर टू में, वहाँ पर हमने डिस्कस किया हुआ है, जब भी हमें रेशियो नहीं दिया हुआ है तो वहाँ पर हम कंसिडर करेंगे के रेस टू वन लेना है, के मतलब कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो। तो यहाँ पर ये लाइन को एम रेस टू वन में डिवाइड कर रहा है, ये लाइन को पॉइंट पी एन रेस टू वन में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास इसके रेशियो मिल गया है, डिवीजन रेशियो, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए पी डिवाइड ओ डी इन रेशियो एम रेस टू वन, तो यहाँ पर हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे, और P डिवाइड ए ई इन रेशियो एन रेस टू वन, तो उसका हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखिए नाउ पॉइंट P डिवाइड ओ डी इन रेशियो लेट पॉइंट P डिवाइड ओ डी इन रेशियो एम रेस टू वन, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेक्शन फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पोजिशन वेक्टर डी इंटू एम होगा और यहाँ पे ओ इंटू वन होगा डिवाइड बाय एम प्लस वन, तो बाय सेक्शन फार्मूला पोजिशन वेक्टर पी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए ये जो D है D M के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस O है वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ओके। तो यहाँ पे D इंटू एम प्लस O इंटू वन, ठीक है, डिवाइड बाय M प्लस वन। तो ये हमारा देखिए लिख सकते हैं M पोजिशन वेक्टर D प्लस पोजिशन वेक्टर O अपॉन M प्लस वन, ये हमें P मिल गया, इसे आप इक्वेशन नंबर थ्री लिख सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए नाउ एंड देखिए जो पी है वो ए को भी डिवाइड कर रहा है इन रेशियो एन रेस टू वन में, तो यहाँ पर हम वो भी कंसीडर करते हैं, लेट पॉइंट पी डिवाइड ए इन रेशियो एम एन रेस टू वन, तो बाय सेक्शन फॉर्मूला देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए वन के साथ मल्टीप्लाई होगा, ई एन के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड बाय एन प्लस वन, ठीक है। तो यहाँ पे पोजिशन वेक्टर पी क्या मिल जाएगा, ई एन प्लस वन ए एन प्लस वन, तो इसे हम क्या लिखते हैं, एन ई प्लस ए बाय एन प्लस वन, ठीक है। इसे हमने इक्वेशन नंबर फोर दे दिया।
अभी देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पे पोजिशन वेक्टर डी हमारे पास दिया हुआ है, वो वैल्यू यहाँ पर रख देंगे और ये सॉरी डी सॉरी डी का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे और ई का वैल्यू देखिए हमें दिया हुआ है, पोजिशन वेक्टर ई इज इक्वल टू दिस, वो यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड एंड फोर्थ एंड फर्स्ट, ठीक है, हमें पी देखिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे डी का वैल्यू जो दिया हुआ है यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हमें पी क्या मिल जाएगा, देयरफॉर पी इज इक्वल टू व्हाट, पोजिशन वेक्टर पी इज इक्वल टू डी के जगह पर हमने जो भी फाइंड आउट किया वो पुट कर देते हैं, टू टू बी प्लस पोजिशन वेक्टर ए बाई थ्री प्लस पोजिशन वेक्टर ओ बाय एम प्लस एन। ओके, इसे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमें पी क्या मिल जाएगा, देयरफॉर पोजिशन वेक्टर पी इज इक्वल्स टू टू एम बी प्लस एम ए, और ये थ्री ओ के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, थ्री ओ बाय थ्री और थ्री डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमें थ्री एम प्लस वन मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें पोजिशन वेक्टर पी मिला हुआ है विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड। अभी हम इक्वेशन देखिए फर्स्ट का जो वैल्यू है, ई का जो वैल्यू है वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ हमें क्या मिल जाएगा, पोजिशन वेक्टर पी इज इक्वल्स टू ई का वैल्यू जब पुट कर देते हैं यहाँ पर, एंड ई क्या है हमारा, ओ प्लस बी बाय टू प्लस पोजिशन वेक्टर ए बाय एन प्लस वन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एन पोजिशन वेक्टर ओ प्लस एन पोजिशन वेक्टर बी, टू ओ ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, टू पोजिशन वेक्टर ए बाय टू, टू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लीज़ ये कैलकुलेशन पे आपको ध्यान रखना है। ओके, ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये होल डिनोमिनेटर में आएगा, फिर ये डिनोमिनेटर और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए अभी हमें ये पोजिशन वेक्टर पी मिल गया, अभी हम ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, पी इज इक्वल्स टू दिस, पी इज इक्वल्स टू दिस, इसे चाहिए तो आप इक्वेशन नंबर फिफ्थ दे दीजिए और इसे आप इक्वेशन नंबर सिक्स दे दीजिए। ठीक है, तो आप रीज़न दे पाओगे। तो देखिए अभी यहाँ पर ये दोनों में इक्वेशन में पी का वैल्यू सेम है, तो इसे हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, हम देखिए स्टूडेंट्स इसको एक सेम ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ठीक है, इसे हम पोजिशन वेक्टर ए फिर ओ ओ ए और बी के फॉर्म में अरेंज करते हैं। ठीक है, इसे हम क्या लिख देते हैं, थ्री पोजिशन वेक्टर ओ प्लस एम पोजिशन वेक्टर ए प्लस टू एम बी बाय, इसे भी सेम ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं, एन पोजिशन वेक्टर ओ प्लस टू ए और एन बी बाय टू एन प्लस वन। अभी देखिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसे सेपरेट कर लेते हैं, हर एक को सेपरेट कर लेते हैं यहाँ पर, मतलब ये क्या हो जाएगा, थ्री पोजिशन वेक्टर ऑफ ओ बाय थ्री एम प्लस वन, एम पोजिशन वेक्टर ए बाय थ्री एम प्लस वन प्लस टू एम बी बाय थ्री एम प्लस वन इज इक्वल टू, सेम यहाँ पर भी करते हैं, और ये ठीक है। अभी देखिए स्टूडेंट्स क्या करना है, दो इक्वालिटी ऑफ अ वेक्टर यूज़ करेंगे, दो वेक्टर है इक्वल दिया हुआ है तो उसके जो एलिमेंट्स है वो भी सेम होंगे, मतलब ओ का जो कोएफिशिएंट है उसको ओ के साथ कंपेयर करेंगे, ए का जो कोएफिशिएंट है उसको ए के कोएफिशिएंट के साथ कंपेयर करेंगे और बी का जो कोएफिशिएंट है उसे हम बी के कोएफिशिएंट के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर, ठीक है, ओ के कोएफिशिएंट को ओ के साथ कंपेयर किया, मतलब यहाँ पे थ्री बाय थ्री एम प्लस वन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू
एन प्लस वन, इसे हमने इक्वेशन नंबर वन दे दिया। अभी एक एक कोएफिशिएंट को ए के साथ कंपेयर करेंगे, एम अपॉन थ्री एम प्लस वन इज इक्वल्स टू टू अपॉन टू एन प्लस वन, इसे हमने इक्वेशन नंबर टू दे दिया, ठीक है। और बी को बी के साथ कंपेयर करेंगे, टू एम अपॉन थ्री एम प्लस वन इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू एन प्लस वन, इसे हमने इक्वेशन नंबर थ्री दे दिया, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी देखिए हम केयरफुली हम क्या कर रहे हैं, ओके। यहाँ पर देखिए हम इक्वेशन थ्री को इक्वेशन वन से डिवाइड कर देंगे, तो हमें देखिए एम सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे, हमें एम मिल जाएगा, ठीक है। केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इक्वेशन थ्री को बाय उसको इक्वेशन वन से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन थर्ड हमारा ये है टू रेस टू एम अपॉन थ्री एम प्लस वन है ये, राइट, इज इक्वल्स टू एन अपॉन टू एन प्लस वन है। इसको हमने डिवाइड किया किस से, वन से। वन क्या है इक्वेशन थ्री अपॉन थ्री एम प्लस वन, ओके स्टूडेंट्स। और यहाँ पर क्या है एन टू एन प्लस वन, ओके। अभी देखिए यहाँ पे न्यूमेटर सॉरी डिनोमेटर सेम है कैंसिल हो जाएगा, न्यूमेटर सेम है कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे डिनोमेटर सेम है कैंसिल हो गया, बचा हुआ जो टर्म है उसको लिख देंगे टू एम बाई थ्री इज इक्वल्स टू वन। तो इसका मतलब देखिए हमें m इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा थ्री बाई टू, ओके। हमें m क्या मिल गया थ्री बाई टू। सेम देखिए स्टूडेंट्स हम इक्वेशन थ्री को हम टू से डिवाइड करेंगे तो वहाँ पर हमें n मिल जाएगा, लेकिन अभी जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन में है उसमें हमें n फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स। हमें क्या बोला हुआ है, देन डिटरमाइन द रेशियो ऑफ ओ पी एंड ओ डी, हमें सिर्फ ये ओ पी और ओ डी का रेशियो फाइंड आउट करना है। जब आपको इसका और इसका रेशियो फाइंड आउट करना रहता तो आप सेकेंड वाले पार्ट को भी डिवाइड कर सकते थे, ठीक है, तो उसे आपको n मिल जाता था। तो यहाँ पर लेकिन हमें सिर्फ n m की ज़रूरत है, n हमें नहीं फाइंड आउट करना है, इसलिए मैं इसमें नहीं दिखाता हूँ, फाइंड आउट करके कुछ मतलब नहीं उसका, ठीक है। हमें क्या चाहिए, ओ पी और पी डी चाहिए, मतलब m रेस टू वन हमें यही चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट हम कैसे देंगे, हमें क्वेश्चन वेक्टर सॉरी m मिल चुका है, हमें क्या करना है पी डी और ओ पी और पी डी को डिवाइड करना है इन व्हाट रेशियो, ठीक है, वो हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिंस पी डिवाइड ओ पी इन रेशियो सॉरी ओ डी, ओ डी है, ठीक है, पी डिवाइड ओ डी इन ओ पी रेस टू पी डी, ठीक है। तो हमारा इसका रेशियो क्या होगा वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमने कंसीडर किया था कि पी ओ डी को कौन से रेशियो में डिवाइड करता है, इन एम रेस टू वन में, ठीक है, एम रेस टू वन का मतलब एम ही होता है स्टूडेंट्स, ओके। तो यहाँ पर देखिए एम हमें क्या मिल गया हुआ है, देयरफॉर एम एम इज इक्वल्स टू व्हाट थ्री बाई टू, मतलब हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, देयरफॉर थ्री रेस टू टू, ठीक है। तो देखिए देयरफॉर पी डिवाइड ओ डी इन रेशियो थ्री रेस टू टू, देयरफॉर P divides OD in ratio 3 raise to 2, ठीक है। तो ये हमें यही प्रूफ करना था, यही फाइंड आउट करना था स्टूडेंट्स, ये हमने फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया, इफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ टेट्राहेड्रन ओ ए बी सी इज 1 2 माइनस 1, ये हमारा सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड ऑफ अ टेट्राहेड्रन दिया हुआ है, वेयर पॉइंट ए वर्टाइसेस ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ, सी दिया हुआ है रेस्पेक्टिवली, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। तो हमें ओरिजिन से पी का डिस्टेंस क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे वर्टाइसेस ऑफ अ टेट्राहेड्रन ओ ए बी सी दिया हुआ है, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये सेंट्रॉइड है, ये ए बी सी दिया हुआ, तो हमें देखिए पी फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, और डिस्टेंस
फ्रॉम पी टू ए क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये हम पी ए बी सी जो दिया हुआ है वो कांस्टेंट टर्म हम वो फाइंड आउट करेंगे। तो हमें वर्टाइस पॉइंट पी मिल जाएगा, पॉइंट पी से लेके ओ मतलब ओरिजिन का डिस्टेंस क्या है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो पहले सबसे पहले हम सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, वेक्टर जी इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय 4 होता है, वेयर ए बी सी डी आर वर्टिसेस ऑफ अ टेट्राहेड्रन, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ स्टूडेंट्स, टेट्राहेड्रन हमारा क्या होता है, ये हमारा टेट्राहेड्रन है और ये वर्टिसेस ऑफ टेट्राहेड्रन होते हैं, ओके। उसका सेंट्रॉयड हमें दिया हुआ और 4 वर्टिसेस है हमारे पास, लेकिन ये ओ मतलब ओरिजिन है, ठीक है। हमें पी पी मतलब कहीं पर भी ये पॉइंट है उससे ले वहाँ से ओ तक का डिस्टेंस जो है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, पहले क्या करते हैं, लेट कंसीडर करते हैं, लेट ओ ए बी सी एंड जी बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ओ ए बी सी एंड जी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो अभी हमें गिवन क्या है, व्हाट इज गिवन वो लिख लेते हैं, वर्टाइसिस ऑफ ए बी सी दिया हुआ है, सेंट्रॉयड दिया हुआ है, उसको हम पोजिशन वेक्टर में कन्वर्ट कर लेते हैं। गिवन पॉइंट ए इज इक्वल टू व्हाट, ए टू थ्री, तो इसका पोजिशन वेक्टर क्या हो जाएगा, देयर फोर वेक्टर पोजिशन वेक्टर ए इज इक्वल टू ए आई टू जे 3K। पॉइंट पी देखिए क्या दिया हुआ है, 1B2, देयरफॉर पोजिशन वेक्टर बी क्या हो जाएगा हमारा, आई बी जे प्लस 2K, ओके। सी देखिए मेरे पास क्या दिया हुआ है, 2C1, देयरफॉर पोजिशन वेक्टर सी क्या हो जाएगा हमारा, आई 2I प्लस 1J प्लस सी के, और ओरिजिन ओ दिया हुआ है मतलब 0 0 0 है, और तो इसका पोजिशन वेक्टर क्या हो जाएगा, 0I प्लस 0J प्लस 0K, राइट। और सेंट्रॉइड हमें दिया हुआ है जी इज इक्वल टू 1 2 -1, देयर फोर जी पोजिशन वेक्टर ऑफ जी इज इक्वल टू आई प्लस 2J - K, ठीक है। तो ये जो हमारे गिवन कंडीशन था उसको वेक्टर्स पॉइंट्स को हमने वेक्टर पोजिशन वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। हमें क्या करना है, पी कोई पॉइंट है सेंट्रो टेट्राहेड्रन में, वहाँ से लेके ओरिजिन, ओरिजिन कहीं पर भी है सपोज, उसका डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, टेट्राहेड्रन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो वर्टाइसिस है ओ ए बी सी है, तो यहाँ पर फॉर्मूला हम उसके अकॉर्डिंग टू चेंज कर लेंगे, देयरफॉर सेंट्रॉइड ऑफ अ टेट्राहेड्रन पोजिशन वेक्टर जी इज इक्वल टू ओ प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, बाय 4, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने ओ ए बी सी लिख दिया, हमारा जो भी वर्टाइसिस दिया हुआ है वो उसको ऐड करना है, डिवाइड बाय 2 करना, 4 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सारे वैल्यूज हमें पता है, यहाँ पर लिख देते हैं, उसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो पोजिशन वेक्टर जी क्या दिया हुआ है, आई प्लस 2J - K, ओके। ओ क्या दिया हुआ है, 0I 0J 0K प्लस पोजिशन वेक्टर ऑफ ए इज ए आई 2J 3K, बी क्या दिया हुआ है, आई प्लस बी जे प्लस 2K, सी क्या दिया हुआ है, 2J + J + CK, ठीक है, बाय 4, चारों वर्टाइसिस ऑफ हो गए टेट्राहेड्रन के। अभी देखिए स्टूडेंट्स हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे,
आई प्लस टू जे माइनस के इज इक्वल्स टू जितने भी आई के टर्म, देखिए यहाँ पर सब प्लस के साइन है, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो किसी का साइन चेंज होने वाला नहीं है, जो है वही रहेगा सबका साइन, ठीक है। तो देखिए फिर भी हम ब्रैकेट ओपन करके लिख के दिखा देते हैं, जीरो आई जीरो जे जीरो के प्लस ए आई प्लस टू जे प्लस थ्री के प्लस आई प्लस पी जे प्लस टू के प्लस टू आई प्लस जे सी के बाई फोर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स पहले आई के टर्म को ऐड कर लेते हैं, जीरो आई प्लस ए आई वन आई टू आई, वन आई प्लस टू आई थ्री आई, थ्री आई प्लस जीरो आई थ्री आई, थ्री आई प्लस ए आई तो ए प्लस थ्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ए प्लस थ्री आई, ओके। और जे के साथ देखिए यहाँ पे जीरो है प्लस टू, टू प्लस बी, टू प्लस बी प्लस वन, थ्री प्लस बी, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, थ्री प्लस बी जे प्लस जीरो प्लस थ्री, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव प्लस सी फाइव सी, तो यहाँ पे फाइव प्लस सी के बाय फोर, ठीक है। ये स्टूडेंट्स ये फोर हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, ये फोर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, फोर आई प्लस एट जे माइनस फोर के, ठीक है। अभी देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर इक्वल है, तो हम इक्वल इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, मतलब आई के साथ जो टर्म है उसको आई के साथ कंपेयर करेंगे, जे के साथ जो टर्म है उसको जे के टर्म के साथ कंपेयर करेंगे, के साथ जो टर्म है उसको के टर्म के साथ कंपेयर करेंगे, तो उसे हमें क्या मिल जाएगा, फोर इज इक्वल्स टू ए प्लस थ्री, तो यहाँ पे ए इज इक्वल्स टू वॉट वन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम जे के टर्म को जे के साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एट इज इक्वल्स टू थ्री प्लस बी, देयरफॉर देखिए बी क्या मिलेगा, एट माइनस थ्री, बी इज इक्वल्स टू फाइव, एंड माइनस फोर इज इक्वल्स टू फाइव प्लस सी, यहाँ पे फाइव वहाँ पे जाएगा तो नाइन माइनस नाइन हो जाएगा, सी इज इक्वल्स टू माइनस नाइन मिल गया। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स हमें ए बी सी का जो वैल्यू है वो मिल गया है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, पी दिया, पी इज अ एनी पॉइंट, ओके, पी इज अ एनी पॉइंट, तो हमें पी क्या मिल गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर, देयरफॉर पॉइंट पी हमें क्या दिया हुआ, ए बी सी गिवन है, तो यहाँ पे हमने ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, ए बी सी, लेकिन अभी हमें क्या स्टूडेंट्स, क्या स्टूडेंट्स हमें पॉइंट पी मिल गया है, हमें क्या बोला हुआ है, ओ टू पी का जो डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना, ठीक है। हमारे पास एक पॉइंट ओ है, पॉइंट बी पी है, ठीक है, तो हमें उनका जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा वो, ठीक है। तो अभी देखिए नाउ इसे हम पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, देयरफॉर पोजीशन वेक्टर पी इज इक्वल्स टू आई प्लस फाइव जे माइनस नाइन के हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ओपी, पहले हम ओपी फाइंड आउट कर लेते हैं, वेक्टर ओपी क्या होता है स्टूडेंट्स, फॉर्मूला पोजीशन वेक्टर पी माइनस पोजीशन वेक्टर ओ, तो हमने हमारा पी क्या है, आई प्लस फाइव जे माइनस नाइन के, ओरिजिन क्या है, जीरो आई जीरो जे जीरो के, ओके, इसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, जीरो माइनस करेंगे तो फिर यही सेम पोजीशन ही रहेगा, ठीक है। हमें ओपी देखिए क्या मिल गया, दिस, अब इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड क्या होता है, इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे आई के साथ क्या है, वन का स्क्वायर प्लस यहाँ पे जे के साथ क्या है, फाइव का स्क्वायर, यहाँ पे के साथ क्या है, माइनस नाइन का स्क्वायर, ओके, इसे हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमें वन प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस एटी वन, इसे हम ऐड कर देंगे एटी टू प्लस तो वन ज़ीरो सेवन, तो अंडर रूट वन ज़ीरो सेवन, तो यहाँ पे देखिए हमें ओ पी मैग्नीट्यूड ऑफ ओ पी मिल गया वन ज़ीरो सेवन, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर द डिस्टेंस फ्रॉम
डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट पी इज अंडर रूट 107। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है। फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ अ टेट्राहेड्रन विथ वेक्टर वर्टाइसेस के एल एम एन। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें सेंट्रोइड ऑफ अ टेट्राहेड्रन फाइंड आउट करना है। तो स्टार्टिंग में ही हमने फॉर्मूला देखा है टेट्राहेड्रन का, सेंट्रोइड हम कैसे कौन से फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें वर्टाइसेस ऑफ अ टेट्राहेड्रन दिया हुआ है, एक एल के एल एम एन, हमें जी सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, तो हमें ऑलरेडी पता है देखिए टेट्राहेड्रन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरे पास चार वर्टाइसेस दिए स्टूडेंट्स के एल एम एन। ठीक है, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करके इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास देखिए टेट्राहेड्रन का फॉर्मूला क्या है, सेंट्रोइड ऑफ अ टेट्राहेड्रन इज इक्वल्स टू व्हाट, वेक्टर जी ए बी सी डी बाय 4। ठीक है, तो ये हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और सेंट्रोइड ऑफ अ टेट्राहेड्रन फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए पोजिशन वेक्टर ऑफ के एल एम एन हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लेट के एल एम एन बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट के एल एम एन रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो वर्टाइसेस है उसके पोजिशन वेक्टर है के एल एम एन। ठीक है, एंड जी, यहाँ पे जी भी लिख दीजिए, जी हमारा सेंट्रोइड है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसे हम पोजिशन वेक्टर में लिख लेंगे। पॉइंट देयरफॉर के इज इक्वल्स टू व्हाट, 5 - 7 - 0। इसका पोजिशन वेक्टर क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 5i - 7j। 0k लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट एल दिया हुआ है, एल इज इक्वल्स टू व्हाट, 1, 5, 3। इसका पोजिशन वेक्टर क्या लिख लेंगे हम, i + 5j + 3k। ओके, नेक्स्ट एम, एम क्या दिया, पॉइंट एम 4 - 6 - 3। देयरफॉर पोजिशन वेक्टर ऑफ एम क्या हो जाएगा, 4i - 6j + 3k। एन 6 - 4 - 2। देयरफॉर पोजिशन वेक्टर ऑफ एन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 6i - 4j + 2k। ओके, अभी हम फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं सेंट्रोइड का। देयरफॉर सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रन क्या हो जाता है, जी इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए के एल एम एन हमारा पोजिशन वेक्टर है, तो यहाँ पर हम के प्लस एल प्लस एम प्लस एन। ओके, ए बी सी डी की जगह हम के एल एम एन यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वर्टाइसेस दिया हुआ है वो बाय 4। ओके, तो यहाँ पर सारे पोजिशन वेक्टर्स हम पुट कर देते हैं। के हमारा क्या देखिए, 5i - 7j + 0k लिखने की ज़रूरत नहीं है। एल हमारा क्या है, i + 5j + 3k प्लस 4i - 6j + 3k और यहाँ पे 6i - 4j + 2k। ओके स्टूडेंट्स, डिवाइड बाय 4 करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन करके लिख देते हैं, 5i - 7j - 0k i + 5j + 3k 4i - 6j + 3k 6i - 4j - 2k। नॉर्मली एडिशन है स्टूडेंट्स, देखिए i का टर्म i के साथ प्लस करिए। ठीक है, तो यहाँ पे 5 + 1 6
प्लस फोर 10 प्लस 6 16 आए। जे को देखिए माइनस 7 प्लस 5 माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 माइनस 4 करेंगे तो माइनस 12 माइनस 12 जे, और फिर 0 प्लस 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8 के, ठीक है, डिवाइड बाय 4 करना है और हमारा सेंट्रॉइड का आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंट्रॉइड मिल जाएगा 4i 3j प्लस 2k, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे, देयरफॉर हमारा सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 माइनस 3 2। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का रिक्वायर्ड आंसर आ गया, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो को हम यहाँ पर स्टॉप करते हैं। आज की ये वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 12 के सारे एग्जांपल्स कवर किए, ठीक है। और देखिए स्टूडेंट्स, आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ कि इसके जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है उसको हमने दूसरे वीडियो में देखा हुआ है, सॉल्व किया, और जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने स्टार्टिंग के क्वेश्चन नहीं किए हुए तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और साथ में आपको वेक्टर के सारे एक्सरसाइज के लिंक वहाँ पर मैंने आपको शेयर किया हुआ, ठीक है स्टूडेंट। तो ये वीडियो को स्टूडेंट्स यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं। वीडियो के एंड में मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे, अगर आपको ये वीडियो मेरा हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो के एंड में छोटा सा कमेंट करिए और बताइए कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको कुछ इशू है या फिर आपको कुछ सजेशन देना है तो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है उनको मेरे चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।